बात ही यही समझने की है कि जो बेसिक भूल है जीव भाव और द्वैत भाव, अगर इसको हटाने की कोशिश करोगे तो एक एक विकार नहीं हटाना पड़ेगा, सारी प्रॉब्लम्स ही अपने अहंकार से शुरू होती है। एक अहंकार है और अहंकार के कारण द्वैत भाव है, दूजा सारे प्रॉब्लम्स की जड़ तो वही है। अब आप कहो मैं क्रोध हटाता हूँ, क्रोध आया क्यों? दूसरा देखा, क्रोध आया क्यों? इच्छा रखी, उसी में ही तो फंसे ना। पर अगर आप अंदर से अपनी कामना हटाओ, द्वैत हटाओ, तो आपको क्रोध पे काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। जितना भी विकार है सब द्वैत में है, कामना दूसरे से, क्रोध दूसरे से, लोभ जब अपने से जुदा कुछ समझ रहे हैं उसमें ही है, मोह भी दूसरे से है, अहंकार भी दूसरे से है, सारा जो जड़ है विकारों की दूजे भाव में ही तो है। अगर हम अपने साथ ये कोशिश करें कि मेरे को दूसरा ही नहीं देखना है, जैसे दादा भगवान सारा समय एक ही बात बोलते रहते हैं, सी गॉड एवरीवेयर, जितना भी दादाजी की कैसेट सुनोगे तो बार बार तुमको एक ही बात मिलेगी, सी नथिंग बट गॉड, सी गॉड एवरीवेयर। भगवान क्या तुम रात के 12 बजे के बाद देखेंगे? ऐसी ऐसी बात गुरु रोज़ बोल रहा है ताकि हम अंदर से इस द्वैत के विकार को हटा सकें। और हम ये सोचते हैं हमने छोटे छोटे विकार हटा दिए, हमें ज्ञान का अनुभव हो गया। अक्सर तुम देखते हो किसी के पास बैठो, तुम लोग भी कार्य करते ही हो, जिसके पास भी बैठोगे तो लोग तुम्हें यही बताएंगे, अब इच्छा बड़ी कम हो गई है, गुस्सा बड़ा कम हो गया है। भाई ये तो कम हो गया, लेकिन कम ही हुआ है, जड़ से नहीं जाएगा। क्योंकि जब तक तुम्हारे अंदर द्वैत रहेगा तो संभावना तो है ही ना, फिर विकार आ ही जाएगा, और आता ही है। ये सबके जीवन का अनुभव है, अज्ञान लौट लौट के आता है। क्यों आता है लौट के? जब तक पूरी जड़ नाश नहीं होगी, एक अहमता, एक द्वैत भाव। अब जहाँ अहंकार होता है वहाँ द्वैत और त्रिपुटी ये भी ज़रूर आ जाता है। तो अगर हम इसको नहीं हटाते हैं, हम छोटे छोटे अनुभव जितने मर्जी इकट्ठे कर लें, खड़े फिर भी वहीं हैं। क्योंकि अंदर किसी के अगर इच्छा पड़ी है तो जितना मर्जी क्रोध को जीत ले, कभी ना कभी तो निकल ही आएगा, कब तक उसके अकॉर्डिंग होगा। और इच्छा क्यों है, वो भी द्वैत भाव है सारा। तो अगर कोशिश की जाए इस बात पर अभ्यास करने की, जैसे द्वैत की बिल्ली का दृष्टांत चलता है, भाई पानी तो निकाला 10 फीट, बिल्ली नहीं निकाली। अगर बिल्ली निकाल देते, पानी निकालने की आवश्यकता ही नहीं थी, स्मेल वैसे भी चली जाती, और निकाल देते तो तुरंत यूज़ कर लेते कुएं का पानी। तो जो मरी हुई बिल्ली थी अगर वो पड़ी है, पानी 10 फुट की जगह 20 फुट भी निकाल दो तो भी बेकार है, क्योंकि बिल्ली पड़ी रहेगी, पानी दूषित होता रहेगा। हमारे मन में भी जब तक दूजा भाव रहता है तब तक हमारे अंदर भी राग द्वेष, अपना पराया, तेरा मेरा, बहुत सारे ख्याल उठते रहते हैं। जब ये अद्वैत भावना हो जाती है तो अंदर कैवल्य प्रेम रह जाता है। कभी कभी हम सोचते हैं हमारे अंदर केवल प्रेम रहे सबके लिए, लेकिन अद्वैत भाव के बिना संभव नहीं है। क्योंकि जहाँ ही दूजा देखोगे
नाम रूप देखोगे, उसके कर्म स्वभाव में मन जाएगा और प्रेम नहीं कर पाओगे। कोशिश करोगे प्रेम करें, लेकिन प्रेम अंदर से आएगा नहीं। दिखावा तो चलेगा, अंदर से प्रेम आएगा नहीं। और जहाँ अद्वैत भाव होता है, भगवत भाव होता है, प्रेम तो भीतर से ही आने लगता है, आनंद तो अंदर से ही आने लगता है। असल में हम कहीं भी बैठें, वृत्ति हम ज्ञानमय बना सकते हैं, लेकिन बात वही होती है कि इंसान खुद ही बहता रहता है। विकल्प भी हमारी किससे बात हो रही थी, तुम उसको यही बोल रहे थे फ़ोन में कि चाहे आपको दुख सुख में भी जाना पड़ा, आप वृत्ति तो ज्ञान की तरफ रख सकते हो ना, लेकिन क्या करते हैं, जैसे संसार के लोग बातें कर रहे होते हैं वैसी बातें करने लगेंगे, वैसी बातों में बह जाएंगे। होश करना चाहिए, ज्ञान की दृष्टि से चीज़ों को देखना चाहिए, तब समझ में आएगा सही क्या और गलत क्या, तब समझ में आएगा। अभी समझो कोई अस्पताल में ही एडमिट है और वो कह देता है, बच्चे ही पूछते हैं मम्मी घर ले चलें, हाँ बेटा कल चलेंगे परसों चलेंगे, ठीक हो जाऊँ थोड़ी सी। अब समझो डेथ हो गई, दो दिन बाद सचमुच घर पहुँच गए, अब चर्चा क्या चलेगी माँ, ज्योतिषी थी वो तो, उसको अंदर से प्रेरणा आ गई थी, फलाना हो गया था। मैंने कहा आप ये नहीं सोचते हैं, अंत समय जो पुत्र सुमरे, ऐसी चिंता में जो मरे सूकर जूण वलवल उतरे, अंत समय जो मंदिर सुमरे घर सुमरे, ऐसी चिंता में जो मरे प्रेत जूण वलवल उतरे। भगवान में मन नहीं गया, संसार में मन गया, और सारी दुनिया बैठ के संसार की बात की चर्चा कर रही है, मानता हो गई इसमें। किस चीज़ की मानता है, कोई मानता वाली बात है? बेटे को कहा तेरे घर आएंगे, देखो उसके घर पहुंच गई अर्थी, फिर क्या हो गया, फिर हुआ क्या उससे? अज्ञान बढ़ाते हैं, ज्ञान की दृष्टि नहीं रखते, क्योंकि उस समय दृश्य सत लगते हैं, बातें सत लगती हैं, जगत सच लगता है, लगता है ये सच है, जो संसारिक लोग बात कर रहे हैं ये सच है। अब अगर ज्ञान तुम्हारे साथ हो तो तुम्हें इस तरह की भ्रमित करने वाली बातों में जाने देगा? और एक विचार और करके देखो, जब किसी का दुख सुख सुनता है इंसान, तो दिमाग में अपने लिए भी आ जाता है, हाय मेरे को ये बीमारी हो गई तो, मेरे को ऐसा हो गया तो। इसका मतलब जब किसी की ऐसी बात सुनते हैं तो भी तो मन कल्पना करता होगा ना कि हाँ मैं भी मरने लगूं, मुझे भी पता चल जाए, मैं भी कह दूं पहले घर वालों को, ये भी कल्पना करता होगा इसका मतलब। तो कितना अज्ञान में हम वर्तते हैं, बहते हैं, अज्ञान को बढ़ाते चले जाते हैं। जबकि गुरु ने कहा ज्ञान का छोर नहीं छूटना चाहिए, लेकिन ज्ञान नहीं पकड़ता कोई भी, हर कोई अज्ञान की बातें करके, मेरे को भी बात ऐसे बताते हैं जैसे हम बड़े प्रभावित होंगे, पर हमको तो दुख ये लगता है कि तुम ज्ञान सुन के भी ऐसी मूर्खता वाली बातें कैसे कर सकते हो। तुम्हें विचार चलना चाहिए कि भाई अंत में वृत्ति ऐसे भी भटक सकती है, कितना ना सावधान होना चाहिए, कितना अपनी आत्मा में जागृत होना चाहिए। दादाजी की तरह ये विचार कितनों को आता है, उनसे लास्ट में पूछा गया घर ले चलें, बोला मैं जाऊं यही मेरा घर है, जबकि बड़े में बड़े संत सब ये लास्ट में कहते हैं मेरा शरीर मेरे धाम में वापस ले चलना, और दादाजी कहते हैं मैं जाऊं यही मेरा घर है। अब ज्ञान हम लोग किस कोटि का सुनते हैं, और सोच विचार सारे हम वही अज्ञान वाले रखते हैं, यही तो प्रैक्टिस की कमी है ना। फटाफट मन दूसरे के कर्म में चला गया,
कर्म में जाना ही कहेंगे इसको, बिना विचारे दूसरे के कर्म में चले गए। लेकिन ज्ञान की दृष्टि से देखो तो तुम्हें समझ में आएगा कितना घोर अज्ञान है, जबरदस्त अज्ञान है। एक सत्संग करते थे यहीं दिल्ली में, तो किसी ने हमसे बात बताई, बोले वो सत्संग करके आई थी, पर्स रखा, लेट गई, फिर कहती है मेरे को नीचे उतारो नीचे उतारो, और डेथ हो गई उसकी। बड़े उसके सुनाने जिनको सुनाती थी ज्ञान, बहुत महिमा गा रहे हैं। हमने उससे पूछा, हमने कहा आपको क्या लग रहा है, कहती मुझे भी लग रहा है, देखो ये सारी जिंदगी जो ज्ञान में देते हैं, महापुरुष होते हैं, फलाने होते हैं। हमने कहा तुम पहले ये बताओ, दादा ने तो बोला अंत समय जिसको ये भी ख्याल आया कि मैं मर रहा हूँ, सो भी मुक्त नहीं है, जन्म में आएगा। और दूसरी बात, उसको ये वहम क्यों मंजे का और जमीन का, इतना ब्रह्म ज्ञान में अगर वो रही, सुना सुनाया, और उसके बाद उसको चारपाई और जमीन में फर्क क्यों लग रहा है, कौन सा कर्म कांड है ये, जमीन पे उतारो मेरे को, मेरा दिया बत्ती करो, मेरा फलान करो, ये क्या है। जिसने हमको बात बताई थी बोले तभी तो कोई तेरे पास आना नहीं चाहता, कोई बात नहीं करना चाहता, तुम्हारे पास हर एक की बात के पीछे बात होती है। उनका भड़को मत, आपने बात की तो मैंने बात बताई कि अज्ञान है ये, तो ज्ञान काहे का है, इसमें महिमा किस चीज़ की हो रही है इसमें। तो इतना समय सुन रहे हो, रोज गीता भगवान की वाणी, गुरु जी की वाणी रोज चल रही है कि तुम्हें ये भी ख्याल नहीं आना चाहिए तो मैं मरता हूँ। जमण वारा प्या मरंदा, मरण वारा प्या जमंदा, मरने वाला जन्मेगा, जन्मने वाला मरेगा, ये देह की बात हुई। तो आत्माकार को ये सब में क्या प्रयोजन, क्या प्रयोजन है, मैं जा रहा हूँ, मेरे को नीचे उतारो, मेरे दिया बत्ती कर दो, मेरा फलान कर दो। आत्मा स्वयं जागती ज्योत है, उसको दिया बत्ती किस चीज़ का चाहिए, करना हो करे, जिसने नहीं करना हो ना करे, उसको दिया बत्ती चाहिए क्या बाहर का, जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है। अब सूर्य तो प्रकाश स्वरूप है, उसको दिया बत्ती नहीं चाहिए, तुम्हारी पृथ्वी पे अंधेरा हो गया, तुमने दिए जला लिए, सूरज को फर्क पड़ा क्या। अब प्रॉब्लम क्या है, अद्वैत का जो ज्ञान है उसका चिंतन बहुत कम है, उसका अभ्यास बहुत कम है। सब लोग बाहरी बातों को ज्ञान मानते हैं, है कोरा अज्ञान। आत्मा बोल के तू कुछ बोल नहीं सकते, आत्माकार माना मौन, आत्माकार माना ख्यालों से खाली, आत्माकार माना जिसको किसी से कुछ नहीं चाहिए, आत्माकार माना जो आपसे आप में तृप्त है, उसके आगे कोई बात ही नहीं। लेकिन ये सब चक्करबाजियाँ चलती रहती हैं, पड़ी रहती हैं अंदर, और सब खुश होते रहते हैं कि हमने बड़ा ज्ञान पक्का किया, ज्ञान पक्का किया। ज्ञान में क्या पक्का किया, तुम आपसे आप में संतुष्ट हुआ, अजगर की न्यायी तुम निश्चेष्ट हुआ अंदर से, या मन सारा दिन ख्यालों की खेचल में पड़ा ही पड़ा हुआ। और जब हम खुद नहीं चढ़ते हैं, किसी को चढ़ाएंगे तो क्या, जब हम गुरु से अद्वैत होके नहीं चल पाते हैं, संसार से अद्वैत होके कैसे चलेंगे। देखो इसका एक पहलू ये भी बड़ा जबरदस्त है, गुरु से भी ख्याल में ला के चलना वो भी तुम्हें अद्वैत में टिका दे, लेकिन कहाँ ख्याल में ला पाते हो। अभी गुरु जोश करे तुम कहोगे अपना आप देख के जोश किया, शायद चार लोगों को समझा के चले आओगे, वो तो अपना आप देखते हैं, दादाजी कहते हैं गाली भी तो मैंने अपने को दिया। पर जिस दिन तुम्हें पड़े उस दिन 100 विचार और दे लोगे, ये विचार आएगा, चाहे यहां तक भी विचार दे लोगे, प्यार भी तो करते हैं, अच्छा गाली दिया तो क्या हुआ, लेकिन ये विचार आएगा अपना आप ही देखा मेरे को, आएगा ये ख्याल। सोच के देखो, गुरु से ही मन मिलाना
उनके अद्वैत भाव को समझ पाना, रियलाइज कर पाना और अपने को उस विचार से बना पाना। अद्वैत में तो अभी हम इतनी भी कोशिश में नहीं लगते, अगर देखा जाए तो। कईयों को मैंने नोटिस किया जो संग भी चलते हैं, सत्संग भी करते हैं, बल्कि सत्संग करने वालों को ही बुद्धि ज़्यादा होती है ना। अब तुम देखो किसी की बात आ गई सामने, हमसे तो कहने की हिम्मत नहीं, आपस में कुड़कुड़ करते रहेंगे, बोलते रहेंगे। देखा सारा कसूर फलाने का तो नहीं होगा, फलाना व्यक्ति ऐसे हुआ, फिर कोई बात तो होगी। जब तुम गुरु से ही नहीं बन पा रहे हो, संशय हुआ ना, ये भी शक हुआ, संशय हुआ। और जिस दिन समझो तुम्हारे अपने साथ कोई बात आ गई, उस दिन मन कितने बवंडर मचाएगा, उस दिन तुम्हारी श्रद्धा कितनी चूर चूर होगी। कि मन में दूसरे को लेके भाव है सिंपैथी का, क्यों है? क्योंकि शायद वही कर्म अंदरूनी तुमसे भी हो रहे हैं, इसीलिए लग रहा है वो सारा गलत नहीं। अब तुम गुरु से विचार समझो नहीं मिला पाए। अब जिस दिन कोई कारण तुम्हारे आगे बना, उस दिन तुम्हारी क्या हालत होएगी? तुम्हारी श्रद्धा टूट जाएगी। फिर तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले वही आएगा, फलाने व्यक्ति के साथ भी ऐसी बात हुई। कि तुम गुरु को तब भी नहीं समझे, अपने लिए तो क्या समझोगे? नहीं हो सकते ना अद्वैत। ये बातें करनी सुननी बड़ी आसान है, गुरु को शराब के गुत्ते पे देख लो, कितना इजी है बोलना, और हाथ में प्याला भी देख लो। किसी की शराब छुड़ाने गए होंगे, वैश्या के कोठे पे देख लो, हाँ किसी का वैश्यापना छुड़ाने गए होंगे। इजी है ना कहना। और जब मन चले इंसान का, तो कभी यूं भी चल जाए, अरे ये फोटोग्राफर क्यों आया है? समझो भगवान ने वहाँ पे हॉल का वो इनॉग्रेशन किया, कुछ लोग अड़ गए कि हम लोगों को तो हवन कराना है। भगवान ने कहा तुम्हारा सबका घर है, बेशक कराओ। अब हुआ, अब अपूर्ण आहुति के समय गुरुजी को भी बुलाया सबने, फिर तो सबका ही, हम सबका ही मन हो गया कि अगर हो ही रहा है तो भगवान तो प्रकट हुए ना बीच में। यज्ञ का मतलब क्या? थोड़ी देर बाद सत्संग ही था, आए भगवान भी चल के। अब कईयों के दिमाग चल गए, पंडित क्यों आया? अब गुरुजी का तो कोई रोल ही नहीं था बीच में, कुछ बच्चे अड़ गए, कोई और प्रेमियों ने कहा, भगवान ने कहा तुम्हारा भी हक है, खाली मेरा हक तो नहीं है। लेकिन बुद्धि तो वहाँ भी चल गई, दिमाग तो वहाँ भी चल गया। तो गुरु से ही अद्वैत होके चलना कितना मुश्किल है। कि गुरु का विचार तेरा विचार एक हो, तुम्हें कभी गुरु की बात पर अपने को विचार भी ना देना पड़े। कभी सोच सकते हो? मतलब जब हम कहते हैं कि हम लोग चलते हैं, हमारी तो नज़र बस एम पे, गुरु पे है हमारी नज़र, फिर तुम्हें पंडित क्यों दिखा? फिर तुम्हें दूसरी चीज़ें क्यों दिखी? फिर तुम्हें उनका वेलकम होता क्यों दिखा? फिर तुम्हें उनके इर्द गिर्द माया क्यों नज़र आ रही है? फिर वो किसी को प्यार कर रहे हैं, किसी को छूट दे रहे हैं, तुम्हारा मन क्यों चिढ़ रहा है? नहीं मिला पाए ना तुम गुरु से विचार। और जहाँ तुम्हारा मन गलतियाँ करवा रहा है, वहाँ तुम गुरु को भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। कि अगर उनको कुछ गलत लग रहा है तो गलत है, लेकिन मन बोलता है नहीं मैं ठीक हूँ। अच्छा, उनको कुछ ठीक लग रहा है तो वही ठीक है, मन बोलता है नहीं जैसा मैं चाहता हूँ वो ठीक है, वो इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, उन्होंने ऐसी बात क्यों कह दी। तो इसका मतलब तुम गुरु से भी तो विचार मिला के नहीं चल पा रहे हो। जहाँ विचार मिलाना मुश्किल नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि तुम समर्पित भाव से बैठे हो, कोई ज़बरदस्ती तुम्हें लाया नहीं। अच्छा, सांसारिक बंधन भी नहीं है, अभी एक शादी हो गई मजबूरी फंसे पड़े हो, निभानी है, ठीक है, यहाँ कोई बंधन नहीं है। तुम खुशी से आए हो, समर्पण किया है आके, और गुरु को भी बहुत देखा परखा होगा तभी तुम डिवोट हुए, सारा सही हो गया। उसके बावजूद भी गुरु से अद्वैत क्यों नहीं है? तो क्यों तेरा विचार और उनका विचार एक नहीं है? क्यों उन्होंने ही तुझे समझना है और तुझे उनको नहीं समझना है?
क्यों उन्होंने ही हमेशा तुम्हारे मूड पे, तुम्हारी बात पे, तुम्हारे संशयों पे ध्यान देके तुम्हें बना के चलना है। तुमने क्यों नहीं समझा उनको? सोच के देखो, जब तक गुरु के विचार से विचार मिलाना नहीं आया, गुरु की दृष्टि से संसार क्या देखोगे? नहीं देख पाओगे, सबको प्यार नहीं कर पाओगे। ये चीज़ें बहुत समझने की हैं कि बड़ा आसान होता है अद्वैत की बातें करना, बहुत आसान है। अब रामकृष्ण की बात सुन ली तुमने, तेरे मुख से भी मैं खाता हूँ, अब तुम्हें भूख ही नहीं है या चीज़ तुम्हें पसंद ही नहीं है, कोई खा रहा है वो कह दे खा लो, इस मुख से भी मैं ही खाता हूँ, और वैसे तो प्लेट में हाथ मार के भी खा लेते हो, इस मुख से भी मैं ही खा रहा हूँ। और इन सब चीज़ों का पता कब चलता है? कोई अगर कारण ऐसा बन जाए, तुम्हें मने हो, कोई सामने वो चीज़ खा रहा हो, उस समय देखो फील होता है इस मुख से भी मैं ही खा रहा हूँ। और ये भी रामकृष्ण ने बताने के लिए बात बताई, ज्ञानी संकल्प रहित है, उसको इच्छा ही नहीं उठती है, तो ये मेरे सामने बैठ के ये खा रहा है, मुझे भी खाना था, इच्छा ही नहीं उठती, संकल्प ही नहीं उठता, स्थिति तो वो है ना। अद्वैत की बातें करने में क्या जा रहा है? बहुत आसान है, बोलते जाओ कुछ भी, किसी की तारीफ कर दो, तुम्हारी ड्रेस अच्छी है, साड़ी अच्छी है, अगला कहेगा हाँ तुम भी पहन लेना एक दिन, नहीं नहीं मैंने ही पहनी है, मैंने ही पहनी है, बहुत इजी है कहना। अब जिस दिन तुम्हें चाहिए हो, हाथ में पैसे भी हों, चलो अरेंजमेंट हो गया, पैसा भी है, मार्केट भी चले गए, और मिले ना, पसंद ना आए कुछ, मूड तो उतने में भी खराब हो जाएगा। बातें करनी आसान है ना अद्वैत की, क्योंकि जब इंसान अपने को गढ़ी नहीं रहा, जो व्यक्ति, वो बातें कर सकता है, लेकिन जो अपने को गढ़ने में लगता है वो बातों से टाइम पास नहीं करेगा। अद्वैत की बात अगर करो, अद्वैत माना प्रेम, सबके साथ प्यार कर सकते हैं, सबके साथ बैठ सकते हैं, कहीं भी आओ जाओ सभी अच्छे लगते हैं, कोई एक आधा अच्छा लगता है, बाकियों के लिए मन में वैर विरोध नफरतें बातें पड़ी हुई हैं। भाई हम सबके साथ ही फिट हैं, जो बैठ जाए मेरे पास मैं तो उसी से फिट हूँ, जिसके पास मैं बैठ जाऊँ मैं उसी से प्यार कर सकता हूँ, कोई बात ही नहीं है कि किसी से मुझे भागना पड़े, किसी को मैं पसंद करूं, किसी को ना पसंद करूं, किसी के साथ बैठ के अच्छा लगे, किसके साथ बैठ के बुरा लगे, ऐसी स्थिति तो अद्वैती की नहीं होती है ना। अद्वैती माना चूजी तो हो नहीं सकता, अद्वैती माना कंजर्वेटिव माइंड वाला तो हो ही नहीं सकता। जो अद्वैती है वो प्रेम स्वरूप है, उसको अकेले भी उतना आनंद है, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बैठ के भी उतना आनंद है जिससे उसकी बनती है, और किसी अनजान व्यक्ति के साथ बैठ के भी उतना ही आनंद है। ज्ञानी को आनंद ही आनंद है। क्या होगा? अब हम लोग गुरुजी के पास जाते थे, कभी कहीं भेज दिए जाते थे, कभी कहीं, तब एक जगह नहीं थी पर्टिकुलर रहने की, तो भगवान कहीं ना कहीं भेज दिया करते थे, किसी के घर भी, रोज़ पैकेट हाथ में रखो, रात को कभी कहीं ट्रांसफ़र हो जाती थी, अनुभव किया था, भगवान पूछते भी थे, किसी किसी के घर में कोई था ही नहीं बात करने वाला मिलने वाला, एक कमरा उन्होंने छत पे दे दिया, गए वहाँ चुपचाप जाके खाना खाया सो गए, सुबह उठ के तो आ ही जाना होता था, तो भी कोई दिक्कत नहीं, दिन भर भगवान से बातें हुई, सत्संग चला, उस सब का बड़ा अच्छा मनन हो जाता था। अच्छा, किसी ऐसे के यहाँ भेज दिया जो बहुत पुराने थे गुरुजी के, उनके संग बैठ लिए, उनसे बहुत सारी बातें कर लीं, भगवान के लेटर्स, गीता भगवान की वाणियाँ, कुछ ऐसा मिल गया, जब वो लोग सो गए घंटा एक रोज़ नियम बना लिया, लिख पढ़ लिया, वहाँ मन लग गया। किसी ऐसे के पास बैठ गए जो नया है,
या थोड़ा अभी ज्ञान में सुलझा हुआ नहीं है, जब वहाँ बैठे तो उनको गुरु जी के लिए श्रद्धा पक्की कराई, उनको वे दिखाया कैसे अभ्यास करो, कैसे आगे बढ़ो। मतलब भगवान बोलते थे कोई दिक्कत तो नहीं तीनों सिचुएशन में, बिल्कुल भी नहीं। अकेले रहने में भी मज़ा आता था, पुरानों के घर में भी अच्छा लगता था, नयों के साथ भी अच्छा लगता था। अद्वैत भावना तो ऐसे ही बनेगी ना। अब अहम होगा ना, ये अद्वैत में नहीं आने देगा। अहम होगा उसको अकेले में भी परेशानी, मेरे को रात को जरूरत पड़ गई, मैं बीमार हो गया, मैं किससे हंसूं, मैं किससे बोलूं। अच्छा फिर कोई मिले, पुराना मिले, नहीं ये फिर मेरे को ही बताएगा, मेरे को ही सुधारेगा, इसका नेचर ऐसा है, मुझे मज़ा नहीं आता इसके साथ, उससे उलझेगा। कोई नया चला जाए उससे उलझेगा, उसके सिर में दिमाग नहीं है, ऐसे नहीं है। मतलब अहमता तुम्हें कहीं भी तो अद्वैत सिद्ध नहीं करने देती है। अद्वैती को तो आनंद है हर परिस्थिति में, उसको क्या फर्क पड़ना कैसा भी हो। अब भगवान कई बार करते थे, दो लोग अगर हम इकट्ठे गए, एक को एक घर सोने भेज देते थे, दूसरे को दूसरे घर। और कईयों का ये खेल भी दिखाया, जैसे किसी शहर से कोई आई हुई थी लड़की, तो जो यहाँ गुरुजी के पास रहती थी, भगवान फलानी दीदी के पास हम रुक जाएं, फलानी आंटी के पास हम रुक जाएं, भगवान बोलते थे अच्छा चलो रह जाओ। फिर वो तो चार दिन में सबको पहचान लेते थे, पर जिस दिन वो शफलिंग करते थे उस दिन अगला व्यक्ति बैग उठा के भाग लेता था। भगवान बोलते थे इसको जाना नहीं था, अभी रहना था, लेकिन क्योंकि मैंने इसकी जगह वहाँ से बदल दी ना, फलानी से हटा के फलानी के पास कर दिया, बस अब ये नहीं टिकेगी यहाँ, क्योंकि ये गुरु के लिए आई नहीं, ये अपनी सहेलपने निभाने आई थी, गुरु के लिए तो आई नहीं। क्यों, गुरु के लिए आई होती तो बस बैठी रहती ना, चाहे वो अकेले में रखें, मेले में रखें, किसी के साथ रखें, जैसी उनकी मौज आए उसमें क्या है भाई। चलो शरीर की एक मजबूरी है, उसकी व्यवस्था गुरु कर देते थे हम सबकी, जैसे हमको भी तकलीफ होती थी पैर में या जब भी दिक्कत आई, वो एक सेटिंग कर देते थे, लेकिन उसके बाद हमारी चॉइस नहीं चलेगी। ये नहीं हमारे यहाँ के प्रेमी गए हैं हमारे पास वही बैठे रहेंगे, वही सोएंगे, नहीं, कभी किसी को कभी किसी को भगवान बोल देते थे, कभी खाना खिलाने कोई आ गया, कभी कैसे हो गया। तो क्या सिखाता है गुरु, विशालता में प्यार करना। जिसको अद्वैत का अभ्यास नहीं होगा उसको विशालता में प्यार करना नहीं आएगा, और विशालता में प्यार करना नहीं आएगा तो गुरु से भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि गुरु के भी कर्म दिखेंगे। और जब इतना राग द्वेष तुम्हारे मन में होगा सबके लिए, तो तुम गुरु के साथ कहाँ से चलोगे। ये तुम्हारे मन में तो बातें हैं, मन में तो संसार है। यही तो कहते हैं किसी का नुकसान नहीं होता अगर हम द्वैत भाव अंदर का नहीं तोड़ते, किसी का नुकसान नहीं होता, इंसान का अपना जीवन खराब होता है, नेचुरल है। गुरु तुम्हारी हरकतों से सेटिस्फाई नहीं होगा तुमसे, तुम कभी जी भर के गुरु का संग कर नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हें कभी कुछ बुरा लग जाएगा, कभी कुछ उलझा देगा, कभी दूसरों की बातें मन में रखोगे। अब देखा जाए तो प्रेम करने के लिए कोई शर्त तो होती नहीं, जब गुरु सबको प्यार कर सकता है हम क्यों नहीं कर सकते। और गुरु भाइयों से प्यार करने में इंसान को पीड़ा होती है, और जिनको ज्ञान सुनाते हैं उनको प्यार कर लेते हैं, फिर ये क्या हुआ, राग और द्वेष हुआ, द्वैत हुआ, क्योंकि किसी ने हमको टोका, कभी किसी ने कुछ कह दिया, कभी हमें किसी की कोई बात अच्छी नहीं लगी, तो हमारे मन में ही तो कचरा जमा है सारा का सारा। अभी शरीर में ही कचरा जमा हो जाता है तो बीमारी आ जाती है भाई। लीवर में कचरा जम गया, फैटी लीवर हो गया, फैट जम गया उसके अंदर, फैटी लीवर हो गया। किडनियों में दिक्कत आ गई,
भाई हमने पानी पूरा नहीं पिया, क्या किया, तो परेशानी जमी तो गया, कुछ ना कुछ किसी भी मशीनरी की वर्किंग में अगर दिक्कत आती है, घर में आरओ वगैरह लगा रहता है, क्या करते हैं, उसकी बुलाना पड़ता है सर्विसिंग। क्यों सर्विसिंग? सर्विस में क्या करेंगे, कैंडल्स धो जाएंगे, सफाई कर जाएंगे। कोई भी मशीन अगर कचरा जमा कर लेती है तो सही नहीं वर्क कर सकती। अब दिल दिमाग जिसके कचरा जमा कर लें, राइट वर्किंग नहीं कर सकते। कचरा जमा हो गया भाई अंदर, कूड़ा इकट्ठा हो गया, और कूड़ा है इन्हीं चीजों का बेकार की। स्वभाव अपना ठीक नहीं है, सारा समय दूसरों को देख देख के इंसान कुड़ता रहता है। मजा तो तब आए जब सबके बीच रह के भी तुम्हारे मन में एक ख्याल ना आए, तब तो तुम ज्ञानी हो। वरना जितनी मर्जी बड़ी कुर्सी लगा के सत्संग बोल लो, उससे हो क्या जाएगा, कुछ भी नहीं। तुम देखो प्रेम वाले को कोई अकेला नहीं छोड़ता, और जिसके अंदर प्रेम नहीं है उसके पास कोई खड़ा नहीं होना चाहता। प्रेम वाला तुम्हें कभी अकेला नहीं मिलेगा, वो जहां बैठेगा प्रेम का दायरा बन ही जाएगा, वो जहां बैठेगा सबको प्यार करके अपना बना ही लेगा। यही आर्ट आना चाहिए, यही अद्वैत पक्का होना चाहिए। जहां जाते हो, जहां बैठते हो, प्यार करो एक निगाह से सबको, क्या फर्क पड़ता है। तुम्हें जज तो बनाया नहीं गया कि तुम जजमेंट करते रहो दूसरों की, ये जजमेंट में ही तो अद्वैत गुम होता है सारा। क्यों 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 करते रहते हैं, ये क्यों किया, वो क्यों किया, उसने ऐसे किया, उसने वैसे किया, तो तुम्हारी भी बहुत सारी हरकतें होंगी ऐसी, कौन बड़ी बात है। लीव इट असाइड, गुरु बैठा है सबके लिए, तुम अपना प्यार करो, तुम भगवान देखो। तुम्हें एक अंदर भावना पक्की होनी चाहिए। देखो बड़ी अच्छा क्राइटेरिया है, गुरु के संग से जब तेरा मन कतराए तो समझ लेना तेरा गुरु से विचार नहीं मिलता, इसीलिए प्रेम का अभाव हो रहा है। गुरु भाइयों से तेरा विचार नहीं मिलता, तेरा प्यार नहीं है, तेरे अंदर द्वैत दृष्टि है, दोष दृष्टि है, तभी तुम्हारा मन गुरु के संग से कतराता है, या फिर इनडिसिप्लिन्ड हो। यही दो तीन चीजें हैं ना जो तुम्हें गुरु के संग से भी उलझन होती है, वरना क्या दिक्कत है। वरना तो इंसान बिना दिन गिने भी पढ़ा रहे, महीनों के हिसाब से भी पढ़ा रहे, क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि मन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खोट है, प्रॉब्लम ही इतनी सी है। एक होता है व्यक्ति जो ये कह देता है कि जैसी मुझे आज्ञा होगी, वो उसकी मुड़ात है कि वो कुर्बानी करने को भी तैयार है, लेकिन अंदर शौक पूरा है उसको। और एक व्यक्ति जिसके अपने अंदर शौक नहीं है, वो सोचता है हाँ मेरे को ही छोड़ दें तो ज़्यादा अच्छा, मैं ही रुक जाऊँ तो ज़्यादा अच्छा, अरे कौन पचड़े में पड़े, कौन बातों में पड़े। अच्छा आज तो मन ये सोच रहा है कौन पचड़े में पड़े, बातों में पड़े, लेकिन लाइफ लॉन्ग तुम्हारी जिंदगी का होगा क्या, होगा क्या तुम्हारे जीवन का। अगर तुमने राइट टाइम पे अपने एटीट्यूड्स ठीक नहीं किए, क्योंकि गलत तो कोई है ही नहीं, गलत तो तुम, गलत है तुम्हारा मन, गलत है तुम्हारे ख्याल, गलत है तुम्हारा समर्थन करने वाले। भाई जो लोग तुम्हारा समर्थन करते हैं वो तुमसे भी ज्यादा गलत है। तुम अश्रद्धा की बात करो, यज्ञ करो, वो आहुतियां डालें बीच में और संशय की, तो जहां सभी संशयात्मक होंगे वहां भगवान तो प्रकट हो नहीं सकता, वहां भगवान का पैर तो पड़ नहीं सकता, सभी संशयात्मक हो गए। पर अगर तुम अपने को सही करो कि मेरी सोच गलत है, मेरी दृष्टि गलत है, मेरा दृष्टिकोण गलत है, तो तुम अपने को ठीक कर सकते हो। क्योंकि इतना तो हर एक को अपने को बना के रखना ही चाहिए कि कभी भी संग का शौक कम ना हो, प्रेम कम ना हो,
बल्कि और जुड़न मेरी बनती चली जाए। शौक तो अंत तक ऐसा का ऐसा रहना चाहिए, लेकिन ये टूटता कब है? जब तुम्हारे प्रेम में खलल आ जाता है। अब वो खलल इसीलिए आता है क्योंकि गुरु के विचार से विचार मिला के नहीं चल पाते। अपने विचार हम ऊपर रखना चाहते हैं, अपनी बातें हम ऊपर रखना चाहते हैं, प्रॉब्लम तो यही है। कहते हैं हम कुछ बन के नहीं बैठे, कई लोग कहते हैं हम बन के नहीं बैठे, फिर इस्तीफा किस चीज़ से दे रहे हैं? अगर तुम बन के नहीं बैठे, इस्तीफा किस चीज़ से? समझो कोई कहता है अच्छा ठीक है मैं अब कार्य ही नहीं करूँगा, तो पहले तुम कर रहे थे क्या? भगवान कर रहा था तेरे घट से? अगर तुम बन के नहीं बैठे, इस्तीफा किस चीज़ का? इसका मतलब बने बैठे थे, बने भी बैठे थे, बनाए भी बैठे थे, तभी तो उलझन हो गई। बनाए बैठे थे ना मेरे, और अगर तुम एक भगवान को मेरा बना के चल रहे होते, तुम्हें किसी से कोई फर्क ही ना पड़ता। लेकिन देखो फर्क पड़ जाता है, अंदर अंदर हर्ट हो जाता है, मन परेशान हो जाता है जब किसी के आसरे पर चल रहा होता है। तो जैसे एक संसार में कोई होता है ना रिश्ते नातेदार, पति मरा, भाई मरा, बड़ा धजका लगता है अंदर। तो यहाँ भी गुरु से अधिक किसी से प्रेम हो जाए तो बहुत बड़ा धक्का लगता है अंदर, अगले के छूटने पर, मरने पर, समझो वो हमारा ही ना बन के रहे, तो बहुत बड़ा धक्का यहाँ भी लग जाता है। वो एक अलग बात है, हम पर्दा डालते रहते हैं, नहीं 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 नहीं, लेकिन सच्चाई तो है, आधार हो गया कहीं ना कहीं। गुरु का सहारा छोड़ के हम दूसरे के सहारे चलने लग गए कि शायद इसके सहारे में मंजिल पर पहुंच जाऊंगा, शायद ये और मैं मिलके और अपना ये जीवन सफर तय कर लेंगे। ऐसी गलतियों की संभावना तो यहाँ पर भी हो जाती है, इसीलिए गुरु को सबके बीच कूदना पड़ता है। तुम गुरु से भी छिपा के समझो किसी से बहुत दिल लगा लो तो गए काम से। भगवान तो तुम्हारा बन के रह सकता है, संसार तो तुम्हारा बन के नहीं रह सकता। और जिज्ञासु को गुरु के सिवाय सारा संसार लगना भी चाहिए कि सारा संसार ही है, इसमें नहीं उलझना मुझे, मेरा तो उन तक प्रेम है, और जो कार्य भी मेरे सामने हैं वो बस मेरी एक शुक्र अदायगी है, वो मेरी शुक्र अदायगी है कि उन्होंने मेरे को प्यार किया, जीवन बनाया, मैं बस उनकी महिमा गाऊं, चर्चा गाऊं, मेरे को आनंद मिलता है उससे, वो मेरे लिए, कार्य भी मेरा उसके लिए, भले कितना फैल जाए तो भी उनके लिए, उनकी कृपा से, उनके खातिर ये सब भावनाएं बनी रहनी चाहिए अंदर। सब प्रीतम दिया सखियां ने, सब में प्रीतम देखो, फिर किसी से भी तुम कोई गलत बात नहीं कर पाओगे, कोई चोरी चोर चोर छिपी या कोई ऐसी बात नहीं कर पाओगे। ये बात गुरु को ना पता चले, ये फलाने को ना पता चले, कई लोगों की बड़ी गंदी बीमारी होती है, एक को बात करेंगे दूसरे को ना पता चले, दूसरे करेंगे तीसरे को ना पता चले, उसको पता नहीं चलना चाहिए ऐसी बात उसको, और पता सबको चलती है, औरतें पेट में रख ही नहीं सकती बात। तुमने देखा नहीं रिश्तेदारियों में क्या होता है, एक को फ़ोन करेंगे तेरे को बता रहे हैं बात, फलानी को ना पता चले। अब वो फलानी को उसके घर जाना याद आ जाएगा, वैसे वो जाती भी ना 6 महीने, अब वो किसी ना किसी तरह फ़ोन करेगी, मिलेगी, फिर कहेगी देख तेरे को बता रही हूँ, पता ना लगे किसी को, बात ऐसे है, फैल गई बात, पूरे शहर को पता है और सब एक दूसरे को कह रहे हैं बस पता ना लगे। और भगवान बोलते थे जो बात तुम्हारे पेट में नहीं पची तुमने कैसे उम्मीद कर ली कि सामने वाले को पच जाएगी, या तो ऐसी बात ही मत करो, बात ही मत करो ऐसी जो ऐसे चोरी करनी पड़े किसी से भी, या किसी को कहना पड़े आगे किसी को मत बताइयो, बात ही मत करो ऐसी,
कर्म ही ऐसा क्यों कर रहे हो? कर्म भी करना है पर पता भी ना चले। सत्संगी भी कई करते हैं ऐसा, दूसरे शहर से ना फोन करेंगे किसी को, यहाँ रहते हैं नंबर ले लेते हैं, फिर कहेंगे देखो मैंने आपको फोन किया है आप बताना मत। वो अगला व्यक्ति तो फिर या यहाँ बैठा है तो वो क्यों छिपाएगा? वो फिर पूछते हैं हम क्या करें, मैंने कहा तुम उसी से पूछते हैं ना, क्यों ना बताऊं, चोरी क्या है इसमें? हमने आपने ज्ञान की बात की, गुरु की बात की, क्यों ना बताएं? हाँ अगर वो मना कर देंगे आगे से नहीं करेंगे, लेकिन बात क्यों ना बताऊं मैं, चोरी क्या है इसमें, पाप क्या है इसमें, क्यों ना पता चले? तो ऐसा भी कई बार देखा जाता है। तो सत्संग सुनाते एक दूसरे को, हमारे पास एक दिन कोई बात कराने ले आया किसी को, ये ऐसे करते हैं ये ऐसे, मैं उनसे पूछूं, अब वो बोलने लगे तो वो पैर मार दे उसके पैर पे कि तू चुप रह जो मैं बोल रही हूं। फिर हम लोगों ने बाद में पता लगाया तो पता चला कि उसको सिखाया हुआ था जितनी बात मैं करूं बस वही करनी है, दूसरी नहीं करने की। तो ऐसा कर्म ही क्यों करते हो, ऐसी बातें ही क्यों करनी है कि किसी को कहना पड़े मेरी ये बात पता ना चले, मेरी ये बात आगे ना पता चले, मैंने तुझे फोन किया पता ना चले, मैंने तेरे से कोई चीज मंगाई पता ना चले, मैंने तेरे से उधार लिया किसी को पता ना चले। किया ही क्यों ऐसा कर्म, किया क्यों? और जब ज्ञान के मार्ग पर भी बढ़ोगे और ऐसे कर्म भी करोगे, प्रकृति उधेड़ के रहेगी। प्रकृति क्यों ढकेगी तुम्हारे कर्म भाई? एक तरफ कह रहे हो हम गुरु को समर्पित हैं और फिर गुरु से ही चतुराइयां, कैसे बात बनेगी? तो हुआ ना फर्क, गुरु से ही अद्वैत होके चलने में देखो कितने वीक पॉइंट्स हैं जो तुम्हें गुरु से भी अद्वैत होके चलने नहीं देते हैं। हम कह दें जो गुरु को पता है, जो तेरे मन को पता है गुरु को भी पता है, कितनी आसानी से सब हामी भरते हैं। पर कितना कुछ अंदर है, कभी पकड़ा भी जाए इंसान झूठ सच करके जान छुड़ा जाता है। तो अद्वैत तो बड़ी दूर की बात है, गुरु से ही पूरे सच्चे होके चलना, एक होके चलना, यही बड़ा मेहनत का काम है अगर ध्यान दो तो। फिर धीरे धीरे गुरु बहुत सारे विकार, क्योंकि गुरु से विचार मिलाने में ही छूट जाते हैं, गुरु को अंडरस्टैंड करना शुरू कर दो, प्रेम करना ऐसे ही सीख जाओगे। गुरु को पढ़ना आ गया ना और गुरु से मन मिलाना आ गया, तुम्हारी बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। उनको देख के ही तो सीखते हैं। आज हम लोग सबको प्यार करना कहाँ से सीखे, उनको देख के, कि उनको अपने खाने की आराम की परवाह ही नहीं होती थी, सबको देना है सबको देना है, देख के सीखे उनको। कितना कोई गलत बात कर रहा है पता भी है तो भी सामने आ जाए उसको प्यार ही करना है, मन में रखनी नहीं कोई बात किसी के लिए, हृदय खाली रखना है अपना, गुरु को देख के सीखे। बातें कितनी बताते थे गीता भगवान के समय की, कि कितना मुश्किल होता था सबके बीच रहना, एडजस्ट करना, कैसी कैसी बातें आती थीं, पर कैसे उन्होंने अपना ने निभा के रखा। और साथ एक बात बोलते थे, बातें बताते थे ना, जब साथ एक बात बोलते थे, हो सकता है उस समय हमारी भी समाधानता इतनी नहीं थी, ज्ञान में इतनी स्थिति नहीं थी, हो सकता है सारे अगले भी गलत ना हो, ऐसा भी बताते थे। तो उनको देख के सीखी ना सारी बातें, समझ में आया। तो बहुत सारा तो मसला वहीं सॉल्व हो जाता है, एक विचार, वो प्यार कर सकते हैं हम क्यों नहीं, उनके सामने कोई कैसा भी आए वो कुछ नहीं सोचते हम क्यों सोचते हैं, या कोई बात सामने आ भी गई कभी हम लोगों के सामने ही हो गई, हम देखते थे फिर थोड़ी देर बाद भगवान तो अगले को इतना प्यार कर रहे हैं, फिर लगता था हम पागल हैं क्या मन में उसके लिए ऐसे ही सोचे जा रहे हैं। ऐसा भी देखा, एक बार हम बैठे ही थे, एक की कोई बात हो गई,
तो बड़े पुराने थे, नज़दीकी थे गीता भगवान के समय इसके, वो गुरु जी से थोड़ा तू तड़ाक भी करने लगे। बहुत गंदा लगा देख के, मैंने कहा ये कैसे हैं, हमारे लोगों का भाव तो गुरु जी के लिए था, भले वो सात कुर्सी पे बैठते थे सब था, लेकिन थोड़ी देर बाद देखा अंदर वो लोग सारे अपना मिलजुल के खा पी रहे हैं, फिर जैसे एक फैमिली में हो जाता है। तो अपने आप को ही लानत भेजी कि हम कितना गलत सोच रहे हैं कि भाई ये लोग तो आपस में फिर एक हो गए, ऐसे ही होते होंगे संत ये लोग, ये टूटते ही नहीं एक दूसरे से, जुड़े ही रहते हैं। या सोना होता है जैसे, फिर पिघला के एक हो जाता है, तो ये लोग ऐसे ही होते होंगे। समझ आ गया, अगले के लिए भी मन में जो जरा बहुत बात थी, फिर भगवान ने पूछ भी लिया शाम को, तुम्हारे सामने सुबह ऐसी बात हो गई, उनका हाँ मेरे मन में भी आई थी, और अगले के लिए ही आया, आपके वर्ड्स पे तो ध्यान भी नहीं गया आप क्या कह रहे हो। गुरुजी ने भी बहुत जोश किया, बहुत बोले ज़्यादा ही, लेकिन उनकी तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा था, हमको गुस्सा उस पर आ रहा था कि वो ऐसे क्यों बोलती जा रही है जो उनको इतना गुस्सा करना पड़ रहा है, इतनी गाली देनी पड़ रही है इसको। मैंने कहा आपकी बात पे तो ध्यान नहीं गया, मन चला भी नहीं, लेकिन उस पे जरूर गुस्सा आया था, बहुत बुरा लगा था उसके लिए, नफरत सी आ गई थी। लेकिन थोड़ी देर बाद जब आप लोगों को इकट्ठे खाना खाते देखा, और दो तीन चक्कर लग गए बाय चांस, कुछ कभी फुल्का पकड़ाने में, कभी पानी देने के लिए चक्कर लग गए दो तीन, जब आप लोग दोनों साथ साथ वाली कुर्सी पे, और आप रोटी तोड़ के उसकी थाली में रख रहे थे, उसने अपनी चीज़ निकाल के आपकी थाली में रखी, आपके मुंह में बर्फी खिलाई, तो समझ में आ गया भाई ये लोग तो एक हैं, हम तो खाम खा अपना कर्म बना रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो देख के समझ में आ गई ना बातें, गुरु को देख के हम बहुत कुछ सीख जाते हैं। वही बात है आँख होवे, अब एक व्यक्ति की आंख होती है जो कुछ ऐसा देख के वो पकड़ती है, और एक व्यक्ति की आंख ये होती है कि ठीक है वो तो बड़े हैं उन्होंने माफ़ कर दिया होगा, लेकिन अगली तो गलत है, अब अगली को घोट घोट के उसको बिठा लिया दिल दिमाग में, अब वो अगली सारा दिन याद आएगी। फिर कभी अपने साथ कुछ होगा तो मन कहेगा देख जैसे वो अगली भी तो गलत नहीं होगी ना मेरी तरह, गई अपनी भी श्रद्धा गई, तुमने एक गलत विचार मन में रखा और वो सालों बाद जाके तुम्हारी श्रद्धा भंग करेगा, ऐसी मुसीबत है। डॉक्टर्स नहीं बोलते किसी को रसौली होती है, अभी तो तंग नहीं कर रही आपको, लेकिन जब ये दो तीन साल बाद कैंसर बन गई फट गई, फिर आपका क्या होगा, फिर मैं भी केस हैंडल नहीं कर पाऊंगा, डॉक्टर भी बोल देता है, फिर मैं भी ये केस हैंडल नहीं कर पाऊंगा। तो कहना तो मुंह से बहुत आसान है चीजों का, लेकिन हर विचार से विचार मिला के चलो तो अद्वैत भावना को कायम करना आसान हो जाएगा। बुद्धि है अच्छी चीज पर अगर सही दिशा में चले, और जिनकी बुद्धि चलती गलत दिशा में है, विचार ही गलत हैं, ख्याल ही गलत हैं, ये बुद्धि अपनी के कारण अपना जीवन भी खराब करते हैं। क्योंकि ऐसा व्यक्ति कभी खुल के बात भी नहीं कर पाएगा अपने मन की, अपने अहंकार को बचाने के चक्कर में, अपनी मैं को बचाने के चक्कर में, अपनी इज्जत रखने के चक्कर में कभी खुल के अपना अज्ञान भी नहीं दे पाएगा गुरु को, बचने की कोशिश करता रहेगा, पता नहीं पता नहीं पता नहीं ऐसे क्यों, पता नहीं वैसे क्यों, पता सब कुछ है, तेरी कर्म कहानी तेरी आत्मा जाने परमात्मा ही जाने, किसको अपनी कर्म कहानी पता नहीं है, हर एक को पता है, लेकिन इंसान करता क्या है, वो सोचता है शायद मैं
पर्दे डाल लूंगा तो कर्म कहानी खत्म हो जाएगी, भाई बाहर से तो हो जाएगी पर अंदर उसके नेगेटिव इफेक्ट कितने निकलेंगे और वो कब कब तुम्हारी जीवन में असर डाल देंगे और तुम्हें खराब कर देंगे तुम खुद ही नहीं समझ पाओगे। और जितना साफ रहोगे, शुद्ध रहोगे, रंग लगता जाएगा तुम्हें। जितना मन में खोट, पाप ये चीजें रख के बैठोगे, बाहर से श्रद्धा, अंदर अश्रद्धा, बाहर और भीतर और, छिप छिपाव, चोरी ठगी, ये ज्ञान का रंग उतरता जाएगा। जो गुरु लगाएगा ना पाण, वो भी उतरता जाएगा। चार दिन गुरु पूछेगा, नजर रखेगा, खुशी देगा, पांचवें दिन से देखोगे उमंग ठंडी होनी शुरू हो गई। बढ़नी चाहिए थी, बरकत कहाँ चली गई इसकी? मन के खोट बरकत खत्म कर देते हैं। जितना मन में खोट होगा उतनी बरकत बल्कि चली जाएगी। इसीलिए ध्यान ही इन बातों पे दो पहले। अद्वैत निष्ठा जरूरी है, सर्व से प्रेम जरूरी है। जितना ज्ञान चलता है ना, ये सब एक अद्वैत को सिद्ध करने के लिए तो चलता है। इंसान सोचता है मैं दूसरों की गलतियां क्षमा करके बड़ा एहसान कर रहा हूं। अरे गलतियां देख के तुमने ही बड़ा दोष किया, अभी तो क्षमा करो। एक स्थिति पे क्षमा लेनी पड़ेगी। ज्ञान तो आगे चलते चलते स्वरूप बदल जाता है। पहले हम सोचते हैं फॉरगिव एंड फॉरगेट, हम माफी दे रहे हैं, हम बातों को भुला रहे हैं, हम माफी दे के भी भूल जाते हैं। प्रकृति नहीं भूलने देती। ये अभ्यास करते करते एक समय कौंधता है, मैंने दोष देखे, मैंने अगलों के लिए गलत सोचा, मेरे नजरिए गलत थे, मेरे विचार ठीक नहीं थे, मैं ही प्यार नहीं कर पाया, मैं नहीं मन मिला पाया। अब बैठ के अंदर अंदर माफी लियो, सामने पड़ जाए तो सामने, नहीं अंदर अंदर माफी लियो। माफी दे के एहसान नहीं, शांति तब आती है। अभी अहंकार है तो माफी दे के थोड़ा कॉलर अप हो जाते हैं, शांति हो जाती है। हकीकत जो ब्रह्म शांति है वो माफी लेके आएगी कि इस रूप में भगवान का दोष मैंने देखा, इस रूप में भगवान को तकलीफ मैंने दिया। अंदर अंदर माफी लेके शांति आती है। अभी तो इस अहंकार को शांति आ रही है माफी देके, पर जो हकीकत तुम्हारा अपना सत्य स्वरूप में स्थिति है, वो ब्रह्म शांति वो तब मिलती है जब अंदर अंदर मैं सबसे माफी लेता हूं कि मैंने भगवान तुम्हें ना पहचान के ये क्या किया, मुझे धोखा दे गया शाम और मैं पहचान ना सकी। और मन सोचता है धोखा दे गया शाम मतलब गोपियों को जैसे वो धोखा देता था, मटकियां फोड़ जाता था, छेड़ जाता था, मैं पहचान ना सकी। नहीं, ये माया का पर्दा पहन के आया भगवान और मैं जान ना सकी, धोखा हो गया। आगे चल के तो स्थिति ऐसी है। अद्वैत तो वहां सिद्ध होता है जहां भूला हुआ कोई यही नहीं। जब यही भगवान, भूला हुआ कौन, किसका दोष देखूं मैं, कौन गलत है, कोई बुरा नहीं भले मन के वास्ते। अपनी ज्ञान में ऐसी स्थिति दृढ़ करने से कल्याण होगा। और अगर ज्ञान में अपनी स्थिति दृढ़ नहीं बनाई है तो बात गड़बड़ है। फिर तो छोटे छोटे विकारों को क्या खत्म करोगे तुम, बातों से बातों को काटने से क्या होगा। गुरु से भी मन मिलाना है, उसको अकर्ता देखो, उससे भी सब होता हुआ देखो, ये देखो हमारे भाव अनुसार उससे भी हो रहा है, वो किसी कर्म का कर्ता नहीं है। ऐसे गुरु से अद्वैत हो जाओगे। गुरु ने जो किया हमारी भलाई के लिए किया, अरे उसने कुछ किया ही नहीं है, वह करता है। आज बोलोगे भलाई के लिए किया, कल बोलोगे बुराई के लिए किया। देर लगती है। मन में दो बातें आ जाएं,
सारी श्रद्धा पे कालक पोत के और जिंदगी लग जाएगी उस श्रद्धा को दोबारा बनाने में। देर लगती है कोई इंसान श्रद्धा का बर्तन कितनी जल्दी उल्टा करता है, एक बात मन अनुसार ना मिले, बस मेरे को कह दिया, मेरे को चार लोगों के बीच में डांट दिया, मेरी निंदा कर दी, मेरे अकॉर्डिंग बात नहीं की, कितनी देर लगती है इंसान को अश्रद्धा में आने में, कितनी देर लगती है। आसान है भाई मंज की बातें सुनना, अमरदास जी की बातें सुनना, लेकिन बिना संशय में आए कोई ऐसी श्रद्धा बना के चल पाए, बड़ी बात तो वहां पर बहुत कुछ दफन रहता है इंसान के अंदर, क्योंकि जिसकी समाधानता नहीं है, जिसके अपने अंदर चीजें क्लियर नहीं है, वो गिरेगा, जरूर गिरेगा। गुरु के भी कई कर्म मन में रख के बैठे रहते हैं, नजर अपनी गलत है, नजरिए अपने गलत हैं, पूछते हैं नहीं क्योंकि लगता है कि क्या सोचेंगे मेरे बारे में, वही चीजें एक दिन उनको डुबाने वाली, गिराने वाली। ऐसे थोड़ी का जागो रे जिन जागना, अब जागन की बार। और इंसान को अपने जीवन के प्रति भी दर्द नहीं होता, किसी किसी का तो कहने में आ जाता है ना, जड़ बुद्धि है, समझता नहीं है, पर अगर देखो ना अंदरूनी जड़ता बहुतों को है, ऑलमोस्ट सबको ही होती है, अपने लिए ही दर्द नहीं है। कहाँ जा रहा है जीवन, किसके लिए समर्पित होके बैठे हो? जो हीरा लेने आए थे वो हाथ लगा तुम्हारे, नहीं लगा तुम्हें चिंता क्यों नहीं? तुम्हारे मन में जो पड़ा हुआ है तुम गुरु को देख के खाली क्यों नहीं होते, प्रफुल्लित आनंदित क्यों नहीं रहते हो? तुम्हारे अंदर किसी के लिए कोई विचार क्यों चलता है? अद्वैत का मतलब ही यही है, मन खाली। अद्वैत का मतलब ही यही है, मेरे सिवाय कुछ बना ही नहीं। क्या है अद्वैत का मतलब तुम बता दो? अद्वैत अद्वैत बोलते रहेंगे क्या? अद्वैत का मतलब है मन हर तरह से खाली है, अपनी समाधि में स्थित है। जब दूजा ही नहीं है शोर कहां से आया, दूजा ही नहीं है कोई ख्याल कहां से आया, दूजा ही नहीं है कोई बात करने का कोई मतलब ही नहीं। सर्व संकल्पों विकल्पों की निवृत्ति, तो सर्व संशयों की निवृत्ति। अब संशय है देह होने का तो संकल्प विकल्प तभी चल रहे हैं, बोला ना सर्व संशयों की निवृत्ति और पूर्ण परम आनंद की प्राप्ति, ये है मुक्ति। अब सर्व संशयों की निवृत्ति से क्या मतलब है? संकल्प विकल्प की निवृत्ति, देह का संशय निवृत्त होए, अहंकार का संशय निवृत्त होए, मैं का संशय निवृत्त होए। इंसान के पास जो दुख सुख है, जो खेचल है, मन की बात गुरु से करके खाली हुए, भरा भी रहेगा, दिमाग भी चलता रहेगा, व्यर्थ खेचलों में भी पड़ा रहेगा, क्योंकि अपनी बुद्धि से चलना चाहता है। देखो अंदर जो विकार होते हैं ना, वो ईमानदार नहीं होने देते। जिनको अपनी मैं से प्यार है वो गुरु से ईमानदार नहीं हो सकता, ममता वाला व्यक्ति, मोह वाला, वो कभी ईमानदार नहीं हो सकता, लोभी आदमी ईमानदार नहीं हो सकता, नोटिस करके देखो आप, कामी व्यक्ति ईमानदार नहीं हो सकता, कैसे होएगा ईमानदार? अब स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं, कॉलेज में माँ बाप के लेखे भी पढ़ने गए, कॉलेज वालों के लेखे भी, वो वहाँ किसी लड़की को देखने जाता है, वहाँ से कैंटीन में जाके चीज़ खाते हैं, तो कामी ईमानदार नहीं हो सकता, पेरेंट्स के लिए भी लॉयल नहीं, टीचर्स के लिए भी लॉयल नहीं, अपनी पढ़ाई के प्रति भी लॉयल नहीं, कामी व्यक्ति लॉयल नहीं हो सकता। यहाँ भी कोई कामी आ जाए अगर, ना सत्संग के लिए लॉयल होगा, ना गुरु के लिए, और अपनी श्रद्धा के प्रति, अपने समर्पण के प्रति भी लॉयल नहीं,
अपने समर्पण में ही तो छेद कर रहे हो, किसी का क्या कर रहे हो। कामी आदमी ईमानदार कहाँ मिलेगा? ऐसे लोभ वाला, मोह वाला, अहंकार वाला, जिसके अंदर ये चीजें पड़ी रहेंगी वो कभी लॉयल हो ही नहीं पाएगा। और जिसके अंदर ये सब नहीं है वो गुरु के पास जाके अपनी सारी सच्चाई उड़ेल के रखेगा, अपने लिए रास्ता मांगेगा। गुरु के पास तो सबके लिए मार्ग है ना, पर गुरु से मार्ग चाहिए कितनों को? जहां अपनी माया आ गई, इंसान अपनी बुद्धि से चलना शुरू करता है, अपने रास्ते आप बनाने शुरू करता है, और जानता नहीं है वो रास्ते जिधर को बना रहा है वहां खाइयों के अलावा कुछ है ही नहीं। ऐसे ही जाएगा संसार से, ना खुशी से जिएगा, ना आनंद में देह छोड़ेगा, ना मुक्त होएगा, ऐसे ही जाएगा। सो एक एक विकार पे नहीं, प्रैक्टिस करो अद्वैत पे, बहुत फायदा होगा। ठीक है।